घोस्ट। दोस्तों लगभग 2.25 घंटे की ये मूवी होने वाली है और मूवी की शुरुआत जैसे ही होगी ये मूवी आपको पूरी मूवी के एंड तक कनेक्ट कर लेगी, क्योंकि मूवी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी गैंग होती है जो कि जेल के अंदर घुस के धू 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 गोलियां चलाना शुरू कर देती है और पूरे जेल पे कब्जा कर लेती है। अब उसके बाद में क्या कुछ होता है और आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे क्या रीज़न निकल के आते हैं, ये चीज़ें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, जो डॉक्टर शिवराज कुमार ने जो काम किया है ना इस मूवी के अंदर, भाई साहब एकदम लाजवाब है। आप उनकी परफॉर्मेंस से इस तरीके से कनेक्ट हो जाओगे, आपको पूरी मूवी ये सस्पेंस में डाल देगी और आप ये सोचते रहोगे कि भाई ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है और आखिर ये ऐसा कर ही क्यों रहा है। लेकिन जब मूवी का सेकेंड हाफ आता है तभी भी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि भाई ऐसा वही क्यों रहा है, लेकिन जब क्लाइमेक्स आएगा तो क्लाइमेक्स में आपको सारी चीजें आपको पता चलेंगी और उसके बाद में भी भाई आपको बहुत बड़ी मसाला टाइप की चीज देखने को मिलने वाली है और आप उस टाइम पे ये सोचोगे कि भाई मूवी की कहानी तो अब स्टार्ट होगी असली, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा और मुझे लगता है कि उसके अंदर और भी ज्यादा मसालेदार चीजें होने वाली है। बाकी मूवी का फर्स्ट हाफ इंटरेस्टिंग है, सेकेंड हाफ मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। ये मूवी आपके अंदर इस तरीके से सस्पेंस को बिल्डअप कर देगी, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है हर एक सीन में और भाई एक्शन एकदम माल का होने वाला है। अगर आपने मनी हाइस्ट सीरीज देखी है तो उससे मिलती जुलती कुछ कहानी आपको देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर और भाई जो भी है आपको मजा तो फुल आने वाला है, क्योंकि जो आपको एक्शन देखने को मिलेगा और जो बीजीएम सुनने को मिलेगा भाई साहब एकदम मास लेवल का है। मतलब ये मास ऑडियंस को तो बिल्कुल मजेदार मूवी लगने वाली है और स्क्रीन प्ले कहीं पर भी आपको बोरिंग जैसा फील नहीं कराता। बट भाई कुछ भी है, इस मूवी की एंडिंग में आपका पैसा वसूल हो जाएगा, क्योंकि आपको जो चीज देखने को मिलेगी ना आप सच में हैरान होने वाले हो। वेल दोस्तों, मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 8/10। कहानी के मामले में ये मूवी मुझे लियो से थोड़ी बेटर लगी है। तो दोस्तों आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो और इस मूवी को देख सकते हो, और जब आप ये मूवी देख लोगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।